इसके लिए करते हुए अब मुझे इतना आनंद महसूस हो रहा है। मेरा पूरा जो ऊपर का जो सिर है वो बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है, बिल्कुल सुख की अनुभूति। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगी अजय पे, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि षटक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं आती है, और आइए उनके बारे में जानते हैं विस्तार से। अब जो हम करने जा रहे हैं वो है शीतक्रम। इसके बारे में बताता हूँ कि ये शुद्धि क्रियाओं में से आती है, षटक्रम में से ही आती है, जो कि आपकी नासिका को खोलने का काम करेंगे, कफ को कम करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे मस्तिष्क को शांत करने का काम करेगी, हमारी जो श्वास इनहेल और एक्सहेल करने की जो पावर है उसको बढ़ाने का काम करेगी। यदि वो पावर बढ़ेगी तो हम अच्छे से प्राणायाम कर पाएंगे, अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर पाएंगे इस क्रिया को कंप्लीट करने के बाद। तो सबसे पहले जानते हैं जो शीतक्रम होता है, पानी को मुंह में भरते हैं, मुंह में भरने के बाद एक टेक्निक के द्वारा उसको नासिका के द्वारा बाहर निकाला जाता है। वो टेक्निक हम आपको करके दिखाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, पानी ले लेंगे हम, गुनगुना पानी, और उसके अंदर हम सेंधा नमक डाल लेंगे। सेंधा नमक इसलिए क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर आयोडीन प्रॉपर मात्रा में पाया जाता है, और यदि हम पानी की कोई भी क्रिया करते हैं जो कि मस्तिष्क में होके गुजरता है तो उसमें हमें आयोडीन जरूर मिलाना चाहिए, नमक जरूर मिलाना चाहिए, जिससे कि मस्तिष्क के अंदर मौजूद आयोडीन की मात्रा कम ना हो। तो उसके लिए हम पहले से ही हमने यहाँ पे सेंधा नमक रख रखा है, तो इसमें हम सेंधा नमक डाल लेंगे एक चम्मच लगभग स्वाद अनुसार। इससे क्या होगा, जो हमारे दिमाग के अंदर आयोडीन मौजूद है वो हमें कोई दिक्कत नहीं करेगा, ना हमें सिर में कोई दर्द बनेगा, ना चक्कर आएंगे, और ये हमारी क्रिया इजी हो जाएगी। पानी प्रॉपर गुनगुना सा लेना है, और पानी ये देख लें कि साफ हो, जिससे कि हमारे मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम ना हो। काला नमक होने के कारण इसमें थोड़े छोटे बहुत छोटे तिनके आ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साफ होना चाहिए वैसे पानी, प्रॉपर शुद्ध पानी होना चाहिए, जिससे कि कल को ये पेट में भी चला जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ना करे। इसको करने की सबसे अच्छी टेक्निक है कि इसमें पानी को मुंह में भरेंगे और जीव को इस प्रकार से तालू से लगाया जाता है, और श्वास को, सारे श्वास को मुंह में भर के फिर उसको नाक से निकाला जाता है, आगे झुक के और गर्दन को नीचे करके, या फिर गर्दन को बिल्कुल चिन लॉक करके, जिससे कि अगर हमारा गला लॉक हो जाएगा तो श्वास है वो प्रॉपर नाक से निकलेगा। नाक से निकलने से क्या होगा, श्वास अंदर नहीं जाएगा हमारे गले के अंदर, और पानी भी अंदर नहीं जाएगा, सीधा नाक से निकलने से पानी भी नाक के द्वारा निकलेगा और हमारी ये क्रिया जो है वो सफल हो जाएगी। तो अब हम इसमें पानी को मुंह में भरेंगे, जितना भर सकते हैं उतना भरेंगे, फिर जीव को ऊपर तालू प्रदेश पे लगा देंगे, चिन लॉक करेंगे, सांस सारा बाहर छोड़ देंगे चेस्ट को निकाल के। इससे क्या होगा कि दोनों नाक से प्रॉपर प्रेशर से पानी निकलेगा, और थोड़ा बहुत गले में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हम कुंजल करके बाहर निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे, और अगर नाक से गंदगी निकलती है तो उसको हम साफ करते रहेंगे बीच बीच में प्रॉपर, जिसे हमें करने में अच्छा लगे और कोई नेगेटिविटी हमें महसूस ना हो। इसके लिए अब करते हुए अब मुझे इतना आनंद महसूस हो रहा है, मेरा पूरा जो ऊपर का जो सिर है वो बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल हल्कापन महसूस हो रहा है, बिल्कुल सुख की अनुभूति हो रही है। इसलिए योग में अगर हम षटक्रम करते हैं तो हमें धीरे धीरे पॉजिटिविटी शुरू से ही मिलना शुरू हो जाती है। तो इसको दोनों तरफ से निकालने की कोशिश करेंगे जब तक प्रॉपर दोनों धार ना बने। हाथ मुंह साफ करने के बाद ध्यान देंगे, जब हमने जल नीति करी है या फिर हमने जो शीतक्रम और व्युत्क्रम जो ये चीजें करते हैं जिसमें भी पानी हमारे कपाल में यानी कि मस्तिष्क में जाता है, उसमें हमें एक क्रिया जरूर करनी है, चाहे हमने जल नीति करी हो, दुग्ध नीति करी हो, घृत नीति करी हो, यानी कि लिक्विड वाली कोई भी नीति करी हो, उसमें हमें क्या करना है कि पैरों को खोल के थोड़ा इसको साइड में रख के और नीचे की तरफ झुक के थोड़ी देर होल्ड करेंगे। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे जो मस्तिष्क में यदि एक्स्ट्रा पानी, दूध, घी जो भी बच गया है वो प्रॉपर बाहर निकल जाए। आप वो महसूस भी कर पाओगे कि वो पानी कैसे किस प्रकार से निकलता है। सिर को नीचे लटका दें जिससे कि वो सारा इकट्ठा हो जाए और नाक से बाहर निकल जाए, वरना आगे जाके ये अगर सिर के अंदर रहेगा तो ये कफ पैदा कर सकता है, जुकाम बना सकता है, या फिर हमारे सिर को हल्का हल्का भारी कर सकता है। इसलिए ये शुद्धि क्रिया करने के बाद सावधानी जरूर बरतें। अभी महसूस नहीं हो रहा है, पानी निकला नहीं है, तो पानी चेक करने के लिए, जब तक चेक ना हो, सावधानी पूरी तरह से चेक ना हो, तब तक हम जरूर करेंगे उल्टा हाथ कर लेंगे और ये देखेंगे कि ये बिल्कुल सूखा हुआ है, और श्वास छोड़ के देखेंगे। ये देखिए,
पानी है अभी नाक के अंदर, इसका मतलब कि हमें कफ पैदा कर सकता है, जुकाम बना सकता है, तो उसको हम स्पीड से सांस बाहर निकाल के इसको खत्म कर सकते हैं। एक नाक बंद करके इससे क्या होगा, एक नाक बंद करके प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर से अगर वायु निकलेगी नाक से तो सारा पानी को सुखाती हुई निकलेगी। फिर चेक करेंगे एक बार कि पानी बच रहा है या नहीं, नहीं बच रहा, दूसरे हाथ पे अभी मुझे पानी की हल्की हल्की बूंदे महसूस हो रही है, तो अभी हम 30 बार और लगातार श्वास को बाहर छोड़ेंगे स्पीड से। फिर चेक करेंगे कि पानी कितना बच रहा है। अब पानी का जो प्रेशर है वो नहीं आ रहा है और जो सिर है वो बिल्कुल हल्का हो चुका है, हल्के हल्के चक्कर भी महसूस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक साथ ऑक्सीजन की मात्रा मस्तिष्क में ज्यादा बढ़ गई है। तो इस स्थिति में जब हम ये क्रिया करते हैं कम से कम 1 से 2 मिनट हमें बेड पे जाके लेटना है। ऐसा इसलिए जिससे कि मस्तिष्क में जो चक्कर बने हैं उसके कारण हम गिर ना जाए या फिर हमें कोई चोट लग ना जाए। इसमें आप इस स्थिति में सो जाए, पांच सात दस मिनट लेटने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे नाक में अगर थोड़ा बहुत अब भी पानी बच गया है तो वो ऐसे ही हल्का सा करवट लेके नासिका को नीचे रखने पे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमने सारा पानी पहले ही निकाल दिया था तो एक भी बूंद हमारा यहाँ से नहीं निकल रहा है नाक के द्वारा। इसका मतलब हमारी क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। नमस्कार।